हेलो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास एट्थ का इंग्लिश रीडर का लेसन नंबर नाइन कल्पना द स्टार कल्पना एक सितारा हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ट्रैवल इन टू स्पेस अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू ट्रैवल इन टू स्पेस अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला भारतीय कौन था हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वूमन टू गो इन टू स्पेस में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी तो हम हमारा चैप्टर शुरू करते हैं कल्पना चावला द फर्स्ट इंडियन वूमन एरोनॉट वॉज बोल्ड इनफ टू मेक हर करियर इन एरोनॉटिक्स कल्पना चावला प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री ने वैमानिक विमान को अपना पेशा बनाने का साहसिक कदम उठाया शी हैज सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू हर फ्रेंड्स एंड कलीग्स वह अपने मित्रों तथा सहयोगियों के लिए प्रेरणा का स्रोत थी शी इज अ रोल मॉडल फॉर मैनी यंग इंडियन वूमेन वह बहुत सी भारतीय महिलाओं के लिए एक आदर्श है दिस इज an इमेजनरी इंटरव्यू कंडक्ट इन हर ओन स्कूल वह उनके स्वयं के विद्यालय में संचालित एक काल्पनिक साक्षात्कार हैं तो ये एक डिस्कस है जो कि क्लास में की गई चिल्ड्रन गुड इवनिंग मैम नमस्ते मैम वी आर फ्रॉम टेगोर स्कूल हम सभी टेगोर स्कूल से हैं एट करनाल जो कि करनाल में है वी वुड लाइक टू आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चन बिफोर यू लीव फॉर योर स्पेस मिशन इससे पहले कि आप अपने अंतरिक्ष मिशन के लिए हमें ले जाएं, हम आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं कल्पना गुड मॉर्निंग प्लीज मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल कृपया आराम से बैठें रोहन प्लीज़ टेल अस अबाउट योर चाइल्डहुड कृपया हमें अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए कल्पना वेल आई वॉज बोर्न ऑन सेवेंटींथ ऑफ मार्च नाइनटीन सिक्सटी टू इन करनाल हरियाणा मेरा जन्म एक जुलाई उन्नीस सौ इकसठ को करनाल हरियाणा में हुआ था आई हैड ऑलवेज ड्रीम्ड अबाउट फ्लाइंग वैन आई वॉज चाइल्ड बचपन से ही सिर्फ उड़ान ही मेरा सपना था इनफैक्ट आई दो ऑफ गोइंग फर्दर दे पायलटेड एट द एज ऑफ थर्टीन सच तो यह है तेरह वर्ष की अवस्था में ही मैं एक अंतरिक्ष यात्री बनना चाहती थी कविता डू टे लस मोर अबाउट योर सेल्फ अपने बारे में और कुछ अधिक बताए कल्पना लाफिंग कल्पना हंसते हुए वेल आई एम अ स्टिक वेजिटेरियन मैं एक पूर्ण शाकाहारी हूँ आई रिस्पेक्ट माई टीचर्स मैं अपने शिक्षकों का सम्मान करती हूँ आई लाइक रीडिंग फ्लाइंग हाइकिंग एंड बर्ड वॉचिंग मुझे पढ़ना उड़ना लम्बी शेर करना तथा पक्षियों को देखना बहुत पसंद है असलम वॉट कोर्स डिड यू हैव टू गो थ्रू टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट एक अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए आप कौन सा पाठ्यक्रम आपने पढ़ा है कल्पना आफ्टर पासिंग हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन फ्रॉम ट्रेगोर स्कूल करनाल इन नाइनटीन नाइन में टेगोर स्कूल करनाल से हायर सेकेंडरी परीक्षा पास करने के बाद आई ज्वाइन द पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज मैंने पंजाब इंजीनियरिंग मैंने उन्नीस में वैमानिक अभियांत्रिकी में अपनी स्नातक की डिग्री के लिए पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया चंडीगढ़ फ़ॉर माय बैचलर डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इन 1982, ऐटी टू दैन मूवड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास यू एस ए फॉर माई मास्टर्स डिग्री एंड एरो स्पेस इंजीनियरिंग इन नाइनटीन ऐटी फ़ोर लेकिन उन्नीस में मैं एरोपेस अभियांत्रिकी में हायर एजुकेशन स्नोत्तर डिग्री के लिए टेक्सास यूनिवर्सिटी अमेरिका चली गई आई अर्न माई पी एच डी इन द सेम सब्जेक्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ क्लोराडो यू एस ए इन नाइनटीन एटी एट मैंने उन्नीस सौ में क्लोराडो यूनिवर्सिटी अमेरिका से उसी विषय में पी एच डी की जीतू हाउ डिड यू जॉइन नासा आपने नासा को कैसे ज्वाइन किया कल्पना दैट्स अन इंटरेस्टिंग स्टोरी यह एक इन, बहुत ही रोचक कहानी है इनिशियली आई हैड जॉइन नासा एज अ रिसर्च साइंटिस्ट इन 1995 नाइन्टी फाइव एंड वर्क फ्रॉम दैम एट द अमीश रिसर्च सेंटर शुरू शुरू में मैंने 1955 में नासा में एक शोध वैज्ञानिक के रूप में कार्य ग्रहण किया और उसके लिए मुझे एम्स रिसर्च सेंटर में काम मिला बट देन इंस्पायर्ड बाय द प्योनरिंग इंडियन पायलट्स जे आर डी टाटा आई टायर्ड आई ट्राइड हार्ड एंड वॉज़ अल्टीमेटली सिलेक्टेड फॉर माई फर्स्ट फ्लाइट इन फ्लाइट इन नाइनटीन नाइन्टी सिक्स पर उसके बाद अग्रगामी भारतीय विमान चालक जे आर डी टाटा से प्रेरित होकर मैंने कड़े प्रयास किए और अंत में उन्नीस में मैंने अपनी पहली उड़ान के लिए चयनित हुई रोहन हाउ वॉज योर फर्स्ट स्पेस मिशन आपका पहला अंतरिक्ष अभियान कैसा रहा कल्पना आई टुक ऑफ फॉर माई फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलम्बिया ऑन नाइनटीन नवम्बर नाइनटीन नाइन्टीन मैंने अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा की उड़ान स्पेस शटल कोलंबिया में 19 नवंबर उन्नीस को भरी द फ्लाइट वॉज कॉल्ड एस टी एस एटी सेवन उस उड़ान को एस टी एस एटी सेवन का नाम दिया गया I worked with my six member space crew as a mission specialist and prime robotic arms operator. I enjoy every moment of it. मैंने एक छह सदस्यीय अंतरिक्ष दल के साथ मिशन विशेषज्ञ तथा रोबोटिक भुजा संचालक के रूप में काम किया मैंने वहाँ पर हर पल को आनंद लिया असलम वॉट आर योर फर्दर प्लान्स आगे आपके क्या योजनाएं हैं कल्पना वेल माय नेक्स्ट मिशन विल बी इन द सेम स्पेस शटल कोलंबिया द फ्लाइट इज कॉल्ड एस टी एस वन जीरो सेवन आई विल टेक ऑफ ऑन सिक्सटींथ जनवरी टू इट विल बी अ मिशन डेडिकेटेड टू साइंस एंड रिसर्च वी होप परफॉर्म अ नंबर ऑफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट इन स्पेस मेरी अगली उड़ान उसी अंतरिक्ष यान कोलंबिया में होगी इस उड़ान का नाम एस टी एस वन जीरो सेवन है यह सोलह जनवरी दो हजार तेईस को उड़ेगी यह विज्ञान और शोध को समर्पित एक मिशन है यह अंतरिक्ष में कई वैज्ञानिक प्रयोग करने की आशा करते हैं कविता थैंक यू मैम कल्पना यू आर वेलकम तो यहाँ पर जो छोटी सी स्टोरी है कल्पना के बारे में वो फिनिश होती है इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे थैंक यू सो मच